हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री श्याम। बाहर से आप लोगों को वॉइस आ रही है तो बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो उसे इग्नोर करना। और हो रहा है दोपहर का टाइम, बज रहे हैं 2। मैं बना रही हूँ खाना। आज मैं बना रही हूँ घी का रायता। घिया मैंने उबाल दी है, आटा मैंने लगा के रख दिया है और सुबह मैंने बनाया था नाश्ते में आज दलिया। काफ़ी दिनों से ना जो वेजिटेबल वाला दलिया होता है ना, तो वो खाने का मन कर रहा था तो मैंने कहा चलो आज मटर आलू वगैरह टमाटर वगैरह डाल के दलिया बनाते हैं। तो सुबह दलिया में वही सब चीज़ें खा लेती हूँ। इस टाइम ना मेरे फेस पे ना बहुत सारे दाने निकल रहे हैं। ये मौसम जब चेंज होता है ना, इस वाले मौसम में मेरे फेस पे दाने निकल जाते हैं, उसके निशान भी पड़ गए हैं कई कई जगह। तो जब भी थोड़ा सा अप्रैल का महीना आ जाएगा ना, फिर ठीक हो जाएंगे। तो हम बना लेते हैं रायता। घी का रायता किस किस को अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं तो आज हम बहुत सारे कमेंट्स के लिए बातें करेंगे। और स्पेशल निवेदिता के लिए मेरे पास बहुत सारे इंस्टा पे भी डीएम आए हुए हैं और आप लोगों ने व्हाट्सएप पे। तो ये हमारी घिया उबल गई है, बहुत ज्यादा गर्म हो रही है ना, तो मैं इस पे थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दे रही हूँ और इसको हम पीस लेते हैं मिक्सी में। काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि परी के जो एग्जाम है वो कैसे जा रहे हैं। तो परी के भी 3 एग्जाम हो चुके हैं। परी तो बता रही है कि ठीक ही है, बाकी तो आगे पता चलेगा। बाकी उसके एग्जाम ठीक गए, पूरी मेहनत कर रही है और मेरे ब्लॉग्स भी इसी वजह से नहीं आ रहे क्योंकि ज्यादातर जो फोन है वो परी के पास रहता है, तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। जब परी के एग्जाम हो जाएंगे तो मैं कंटिन्यू ब्लॉग डालने की कोशिश करूंगी, मतलब डालूंगी ब्लॉग। और आप में से बहुत सारे लोग है ना, मुझे इतने सारे कमेंट्स कर रहे हैं, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वीडियो बनाने के लिए जो क्वेश्चन आंसर वीडियो होता है उसके लिए ना एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, जो कि शायद मुझे भी नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही मिलेगा मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी जल्दी लेके आऊंगी। आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं मुझसे। दिखाना जरा, सो गाइज यहाँ पे मैंने लगा दिया है हींग जीरे से तड़का और घी का रायता। किस किस को अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मम्मी को और मुझे तो घी का रायता बहुत पसंद है, बच्चे नहीं खाते हैं लेकिन बच्चों की वजह से हम क्या क्या चीज़ें ना बनाएं। तो ये देखिए हमारा रायता बन के तैयार हो गया, खाने में भी बड़ा टेस्टी लगता है और खिचड़ी बनाई थी सुबह उसके साथ तो और टेस्टी लगता। सो गाइज मैंने मॉर्निंग में ब्लॉग शूट किया, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि परी को करनी थी पढ़ाई। आप लोगों को पता ही है कि उसके एग्जाम चल रहे हैं और मेरे पास इस टाइम ना इतने सारे कमेंट आए हुए थे कि रिया परी के जो एग्ज़ाम है वो कैसे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट्स डाला था उसके ऊपर भी काफ़ी सारे कमेंट आए, काफ़ी लोगों ने डीएम भी किया हुआ है। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मैं मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ों को जानने के इच्छुक रहते हो कि घर में सब चीज़ें ठीक हैं, परी के एग्ज़ाम कैसे जा रहे हैं। और प्रीति जी के लिए तो मैं सबसे पहले बहुत सारा थैंक्स बोलूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी कि वो ना हर वक्त हर चीज़ के लिए पूछती रहती हैं। सो थैंक यू प्रीति जी। वैसे तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सारे अच्छे हैं, मतलब हर चीज़ के लिए वो पूछते रहते हैं। और अभी इस टाइम पे ना मेरी एक कोई वीडियो है जो कि शायद दोबारा से वो वायरल चल रही है, तो उस पर इतने सारे भर भर के कमेंट आए हुए हैं, उस पर काफ़ी सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं। देखिए ये मैंने मंगवाई है घर के लिए मसालदानी और एक ये भगवान जी के लिए दीपक मंगवाया है। तो दीपक तो अच्छा है, ये पड़ा है 100 रुपीज़ का। ये हमारी जो बड़ी वाली भाभी है ना उनसे मंगवाया है मैंने, तो वो अपने मायके जाती है ना तो वहाँ से वो ये ले आती हैं तो वहाँ सही मिल जाता है। तो ये दीपक, ऐसा वाला दीपक मंगवाया है, 100 का ये दीपक है, काफ़ी अच्छा है दीपक, इस पर डिज़ाइन भी बना हुआ है, इसको निकाल के दिखा देती हूँ। तो भगवान जी की जोत जलाने के लिए दीपक, और ये मंगाई है मैंने मसालदानी। तो मसालदानी है लेकिन वो एल्युमिनियम की है ना, तो थोड़ी सी वो ख़राब हो रही है, काफ़ी अच्छी है वैसे मसाल।
तो कैसी लगी आपको मसालदानी? लेकिन मसालदानी अच्छी है, पर काफी बड़ी भी है, अच्छी भी है, इसके बाउल भी अच्छे हैं, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा ना इसका जो ढक्कन है ना वो लूज सा लग रहा है। मैंने और मेरी सिस्टर ने दोनों ने मंगवाई थी, या तो ढक्कन एक्सचेंज हो गया है और या फिर है ना मतलब इसका ढक्कन लूज है ही, तो मैंने कहा इसको एक्सचेंज करके ला देना। मतलब मुझे चाहिए तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा ढक्कन टाइट होना चाहिए, क्योंकि बच्चे वगैरह भी, अब आपको पता ही है ये चीज़ें इतनी जल्दी ख़राब तो होती नहीं है। तो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ ढेर सारी बातें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बातें की जाएं। आप लोगों ने बोला कि रिया आपके जो व्लॉग्स हैं वो क्यों नहीं आ रहे। आप लोगों को पता है कि परी के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुके हैं, मेरे पास ना जो फ़ोन है वो एक ही है, और जो मेरा दूसरा फ़ोन है ना ये वाला फ़ोन, ये बस काम चलाऊ है, ये मैंने ठीक करवा दिया था कॉलिंग वगैरह के लिए, लेकिन है ना ये बच्चों की पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैंग होता है, और इस टाइम बच्चों की पढ़ाई से ज़्यादा कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए व्लॉगिंग भी नहीं है। व्लॉगिंग मेरे लिए वैसे देखो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग हमेशा मेरे को समझाते रहते हो कि रिया आपने जो व्लॉग है वो कब से, स्पेशल मैं प्रीति जी के लिए बोलना चाहती हूँ, क्योंकि प्रीति जी ने ये कमेंट्स लिखा था, मैं आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ती हूँ। मैं आपके ही नहीं, प्रीति जी के नहीं, एक माँ बेटी बहू के नाम से भी आईडी हैगी, तो वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं, कमेंट सारे सभी लोग अच्छे करते हैं, और इस टाइम एक वीडियो वायरल पर चल रही है, उसमें इतने सारे भर भर के आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं और इतने सारे कमेंट्स दे रहे हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग उस वीडियो से मुझसे नए भी जुड़े हैं जिनके काफ़ी सारे सवाल हैं, तो मैं इन सब सवालों के आपको जवाब ज़रूर दूंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम, क्योंकि अभी परी के जो पेपर चल रहे हैं ना तो अभी बज रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, अगर आप लोगों को इस फ़ोन में दिखेगा तो ये देखो इसमें बज रहे हैं 17:14 बज रहे हैं, मतलब कि 5:15 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा जब तक वो आएगी ना तब तक मैं अपना वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी कर लेती हूँ। तो सब सही जा रही हैं, प्रीति जी ने ये सवाल पूछा था, परी के एग्ज़ाम अभी तक तो ठीक गए हैं, बाकी रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, और आप लोग भगवान से प्रे करना कि परी अच्छे नंबरों से पास हो। अभी तक उसके सारे एग्ज़ाम अच्छे गए हैं, अब उसका जो है वो साइंस का एग्ज़ाम हैगा, तो ज़्यादातर जो फ़ोन है ना वो परी के पास रहता है, क्योंकि परी की कभी कभी ना, परी ट्यूशन तो जाती जाती है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, फिर वो फ़ोन से भी पढ़ाई करती है जो उसके टीचर वगैरह बताते हैं, तो इस वजह से ना मैं फ़ोन का यूज़ बहुत कम कर रही हूँ। इस टाइम पे पता है मैं कितना बोर हो जाती हूँ, एक तो मैंने टीवी में भी अब की बार रिचार्ज नहीं करवाया, क्योंकि बच्चे ना, आपको पता है परी तो मुझे पता है कि परी टीवी नहीं देखेगी, लेकिन शौर्य ना थोड़ा सैतार है, क्योंकि शौर्य के भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, शौर्य के भी 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं, ड्राइंग का और संस्कृत का, तो अभी शौर्य का कल साइंस का एग्ज़ाम है, तो अभी थोड़ा सा बच्चों पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे ना तो बच्चे, आप लोगों को पता ही है, पढ़ते नहीं हैं, मम्मियों को भी, ओहो लाइट चली गई, तो मुझे नहीं पता है लाइट कब आएगी, लेकिन मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर देती हूँ और इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि एडिटिंग करने में और फिर जब इस वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसमें काफ़ी सारे सवाल आए हुए थे तो मैं उनका जवाब दे रही हूँ। वैसे मैं ना एक ना परी के पेपर हो जाए या फिर बीच में ज़्यादा गैप होगा ना तब मैं एक क्वेश्चन आंसर वीडियो रखूँगी, आप लोग मुझसे कोई भी सवाल पूछना उसके मैं सारे जवाब दूंगी, सारे क्वेश्चनों के जवाब दूंगी। तो इसमें किसी ने मुझसे सवाल किया था शायद निवेदिता की शादी हो रही है, आप निवेदिता को जानते हो? हाँ जी मैं निवेदिता को जानती हूँ, निवेदिता मेरे साथ कॉलिंग व्हाट्सअप पे सब पे हैगी, और निवेदिता की शादी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, और मेरी उससे बहुत पहले बात हो चुकी थी, और आप शादी में क्यों नहीं गए हो? तो सबसे पहले तो ये कि देखो वो उनकी फैमिली, आप समझ सकते हैं कुछ चीज़ें ना इंसान ना अपनी फैमिली के साथ ही मतलब उसको फैमिली के साथ ही अच्छा समझता है, बाहर के लोगों को शामिल नहीं करना चाहता। देखो दोस्त हैं सब चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ें ना फैमिली के साथ अच्छी लगती है, बाकी निवेदिता की मैं ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि निवेदिता के बारे में आपको पता है, लेकिन उसने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को क्यों नहीं बुलाया या नहीं बुलाया, देखो इस चीज़ में मैं कुछ नहीं बोलूँ, सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है और सब मतलब हर चीज़ को अपने तरीके से इंजॉय करना चाहते हैं, अपने तरीके से उस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और उनकी शादी थी, शादी में इंसान ना अपने फैमिली के लोगों को ही रखना पसंद करता है, बस मैं यहाँ पे यही बोलूँगी। और मैं क्यों नहीं गई, पहली बात तो ये कि मेरे पास कोई इन्विटेशन नहीं था, और दूसरी बात अगर इन्विटेशन होता भी तो मैं नहीं जा पाती। अभी मैं आपको सच बताऊँ तो मेरे पास ना कई जगह आने का बोला हुआ है, मतलब मेरी अभी जो बेस्ट फ्रेंड थी, आप लोगों ने ये भी पूछा था, जो मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें पूछा था कि रिया ये आपके साथ कौन है, तो वो मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी और हम लोग शायद 7-8 साल बाद एक दूसरे से मिले थे, वो भी मैं पता है इसलिए मिलने के लिए गई थी क्योंकि उसके भाई ने खाटू श्याम का जागरण करवाया था और वहाँ पे वो भी आ रही थी, तो मैंने कहा बाबा का जागरण है तो इस बहाने उससे मिलना भी हो जाएगा, और उसके बेटा हुआ था, उसने बेटे होने के ना इन्विटेशन मुझे दिया हुआ था, वो आगरा में रहती है,
उसके जो फंक्शन में मैं नहीं जा सकती थी, क्योंकि जिस दिन उसका फंक्शन था उसी दिन परी का पेपर था, तो मैं वहां नहीं गई। मैंने उससे पहले ही मना कर दिया था, मैंने जीजा जी से भी मना कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगी, तो इस वजह से मैं वहां पे मिलने के लिए गई थी। और उसके बाद से ना मैं नेक्स्ट डे ही फटाफट से वापसी आ गई हूँ घर पे, क्योंकि परी के एग्जाम स्टार्ट थे, ट्यूशन चालू था, तो इस वजह से मैं घर पे भी नहीं रुक सकती थी। और अब आपको मैं बताऊँ, आज मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो आज मेरी सिस्टर की बेटी का बर्थडे है। उसकी बेटी कितनी बार मुझसे बोल चुकी है कि मौसी घर आ जाओ, मेरा बर्थडे है, भैया को भेज दो, दीदी को भेज दो, लेकिन मैंने उससे बोल दिया कि बेटा मैं किसी दिन आपके पास फिर से आऊँगी जब भाई वो दीदी के और भैया के पेपर नहीं होंगे। तो हर चीज़ को देखो, देखना पड़ता है, बच्चों के पेपर सबसे पहले इंपॉर्टेंट हैंगे। कुछ लोग यहाँ पे ये भी बोल देंगे, अरे पेपर होते हैं तो क्या बच्चे घूमने नहीं जाते? देखो घूमने जाते होंगे, लेकिन मेरी कंडीशन थोड़ा और है। अगर मैं बाहर कहीं जाती हूँ, मैं वहाँ से नहीं आ पाती हूँ, तो बच्चों के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। और दूसरी बात, बच्चे ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन टीचर बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं कि आप एग्ज़ाम टाइम पे बच्चों को कहीं भी लेके जाओ। अगर बच्चे के नंबर कम आते हैं या कुछ आता है, तो उनका कोई वो नहीं होता, क्योंकि आज के टाइम में ये नहीं है कि एक बच्चे के लिए टीचर उसको दोबारा से समझाएगा, ऐसा नहीं होता है। परी का जाने का मन है, लेकिन परी का 2 दिन बाद मैथ सॉरी साइंस का एग्जाम हैगा कल, सौर्य का भी कल साइंस का एग्जाम है, तो इस वजह से मैं वहाँ भी नहीं जा रही हूँ। मैं हर जगह डिले कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। और कई लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था कि रिया आप जोस टॉक पे कब जाओगे, तो मैं आपको बताऊँ, जोस टॉक पे नहीं है, लेकिन जोस टॉक जैसा ही प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी हम जैसे यूट्यूबर्स होते हैं उनके कहानियों को जान के और अपने वो चैनल पे डालते हैं, उनका न्यू चैनल है, मतलब जो स्टॉक जैसा ही है, उनके चैनल से बहुत सारे लोग जो स्टॉक पे भी गए हैं। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मेरी जब उनसे बात हुई तो फिर मैंने उनका चैनल देखा, चैनल देखने के बाद मुझे पता चला, लेकिन उनका चैनल भी ऐसे ही था जैसे जो स्टॉक वालों का है, लेकिन उन्होंने मुझे 2 डेट दी हैं, मैंने 2 डेट मना कर दी क्योंकि परी के पेपर चल रहे थे। अभी बीच में मुझे उन्होंने 18 तारीख की डेट दी थी, जिस दिन मेरी फ्रेंड थी वहाँ भी जाना था, और नेक्स्ट डे परी का एग्ज़ाम था। 18 तारीख को परी को स्कूल में भी जाना था, और 18 तारीख को तो हम खैर वहाँ पे थे, कहाँ पे कहीं गए हुए थे हम 18 तारीख को, मैं भूल गई हूँ। तो 18 तारीख को परी को स्कूल में भी जाना था, और 19 तारीख से तो उसके एग्ज़ाम थे ही थे। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि मैं ना अभी इस टाइम पे कहीं भी नहीं जा रही हूँ, और दूसरी डेट भी मुझे दे रखी है, लेकिन दूसरी डेट पे भी मैं ये सोच रही हूँ कि उनको अभी मना कर दूँ, और जब परी के एग्ज़ाम हो जाए ना तब मैं जाऊँ, क्योंकि फिर मेरे को भी ना रिलैक्स रहेगा कि मैंने बच्चे का टाइम थोड़ा सा भी ख़राब नहीं किया है। क्योंकि मैं कहीं भी जाऊँगी, भाई वगैरह को तो लेके जाऊँगी, लेकिन मैं साथ में ना परी को भी लेके जाती हूँ ताकि थोड़ा बहुत वो वीडियो शूट कर ले। सो ये है। और निवेदिता की शादी का मैंने आपको बता दिया कि मैं क्यों नहीं गई, और बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं, लेकिन मैं उनका धीरे धीरे आंसर दूंगी। और मैं ना आप लोग है ना मुझसे प्लीज़, मैं एक कम्युनिटी पे एक पोस्ट डालूंगी, तो उसमें आप लोग है ना अपने जो भी सवाल हैं आपके वो पूछना, तो मैं उसके उसके ऊपर ना जो क्वेश्चन आंसर वीडियो है वो बनाऊंगी। आप कोई भी सवाल मुझसे पूछ लेना, तो मैं कोशिश करूंगी। और आप मायके क्यों नहीं जाते हो? तो बस यही कारण है, मैं मायके नहीं जाती हूँ, अभी गई थी मैं। आप लोग समझ सकते हैं, जब हम अपनों से मिलते हैं तो उस थोड़े टाइम के लिए हम लोग बातें बातों में लग जाते हैं, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। और जब बच्चे सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोग है ना हर चीज़ को नेगेटिविटी में ले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप हर चीज़ को नेगेटिविटी में मत लेके जाया करिए, आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, घर में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोगों को भी मन करता है कि हम ब्लॉग व्लॉग ना बनाए, हर वक्त है ना फ़ोन लेना भी, मतलब हर वक्त फ़ोन में लगे रहना भी ना बोरिंग टाइप सा लगता है। तो मैं इन दिनों ना थोड़ा सा अपने आप को भी आराम दे रही थी, और इस टाइम परी ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रही थी, तो इस वजह से भी मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। और कुछ टाइम से मेरे साथ ऐसा हो भी रहा था कि मैं ब्लॉग बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था, और उससे कुछ टाइम पहले कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, मैंने आपको बताया था मेरी सिस्टर की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी जो अब सॉल्व हो रही हैं धीरे धीरे भगवान की दया से। देखो लाइफ है, लाइफ में अप एंड डाउन तो चलता ही रहता है, लेकिन जब कभी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हमको उनको फेस करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि भाई ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, ऐसा क्या हुआ, तो होता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो सारी चीज़ें सॉल्व होने लगती हैं तो ठीक है, होता है लाइफ में ये सब चीज़ें। और आओगे रिया आप लाइव कब आओगे? तो लाइव आने के लिए ना टाइम चाहिए होता है, इसमें मेरा फेस कैसा दिख रहा है, लाइव आने के लिए ना टाइम चाहिए होता है, तो देखते हैं किस दिन टाइम निकाल के आप लोगों से लाइव आके भी बातें करते हैं। मैं कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दूंगी, तब मैं आप लोगों से लाइव आकर बातें करूंगी, क्योंकि मैं जब भी लाइव आती हूँ तो फिर आप लोग शायद उस टाइम पे सो रहे होते हो या फिर आप कुछ काम कर रहे होते हो। और प्रीति जी का एक मैसेज था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था,
प्रीति जी ने मुझसे ये बोला था कि रिया आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो यूट्यूब चैनल पे, रिया आप मेहनत करो और आप है ना उस टाइम पे यूट्यूब पे हम लोग आपको देखते हैं। ये कमेंट मेरे को ना काफ़ी सारे लोगों ने इस बीच किया है कि रिया आप यूट्यूब चैनल पर मेहनत करो, आप क्यों मेहनत नहीं कर रहे हो, हमने आपको तब से देखा है जब आपकी किचन नहीं बनी हुई थी। ये शायद प्रीति जी ने ही मुझे मैसेज किया था कि हम तब से आपको देख रहे हैं जब आपकी किचन नहीं बनी थी और आपके पास शायद ट्राईपॉड भी नहीं था, तब से आप वीडियो बना रहे हो, लेकिन उस टाइम पे आप इतनी मेहनत कर सकते थे तो अभी आप क्या एक वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं। क्या होता है कभी कभी ना लाइफ है ना थोड़ा सा चेंज होती रहती है, कभी कभी हमारे पास टाइम होता है तो हम उस टाइम पे काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसा होता है मेरे साथ पता नहीं क्यों। और कुछ टाइम से ना मैं ना बहुत ज़्यादा ना इमोशनल टाइप से होती जा रही हूँ, मैं दूसरों को तो मोटिवेट करती रहती हूँ लेकिन कुछ टाइम से ना पता नहीं क्यों मुझे क्या होता जा रहा है कि मैं ना अपने आप में ना बहुत है ना अंदर से ना मुझे बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ें फील होती हैं, तो इस वजह से भी मेरा थोड़ा सा ब्लॉगिंग करने का मन नहीं करता है, लेकिन आप लोगों का प्यार और ये सब चीज़ें देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, करूँगी मैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा परी के पेपर हो जाए। आप लोग मेरी फैमिली हो, देखो फैमिली वाले ही फैमिली के लोगों को समझते हो, जो प्यार करते हैं वो तो ज़्यादा ही समझते हैं। और ये अभी मैसेज मुझे बार बार आ रहा है कि आपने अपनी लाइफ से बहुत स्ट्रगल किया है रिया, हम आपको देखना चाहते हैं यूट्यूब पर आगे बढ़ते हुए। तो देखो पता है यहाँ पे कुछ किस्मत भी होती है, मैंने ऐसा देखा है कि मेरे से जो बाद में क्रिएटर आए थे वो आगे निकल गए हैं। और देखो रिया की लाइफ में क्या है, मैं बार बार बाहर घूमने नहीं जाती हूँ और ना ही मैं घर में ऐसा कोई बहुत चीज़ें हमारे फंक्शन हो रहा है या फिर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ ऐसा भी कुछ नहीं है, या फिर मैं अपने घर में कुछ नया कर रही हूँ ऐसा भी नहीं है। तो मेरी जो लाइफ है ना आप लोगों की तरह, बहुत सारे जो यहाँ पे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो आप लोगों की तरह मिडिल क्लास की मैं लड़की हूँ, मिडिल क्लास हाउस वाइफ हूँ और एक मिडिल क्लास माँ हूँ। तो आप लोगों को पता है कि मिडिल क्लास में जो होता है वो कैसे नॉर्मल वाली लाइफ होती है, रोज़ खाना बनाना खाना ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं आप लोगों के साथ क्या चीज़ें शेयर करूँ, मुझे परी के बारे में कुछ चीज़ें बताया करिए। तो मैं आपको बताऊँ कि परी ना सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर ही रहती है, वो नहीं आना चाहती है, कभी कभी मैं उसकी एक आध वीडियो बना लेती हूँ ना तो वो गुस्सा करती है कि मम्मी प्लीज़ मेरी वीडियो मत बनाया करो, आप अपना बनाया करो, अभी मुझे सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना है। तो ऐसा होता है कुछ बच्चों को नहीं होता है पसंद, तो मैं अपने आप को आपको कब तक दिखाऊं, ऐसा होता है ना। और मैं कहीं बाहर भी नहीं जाती हूँ तो मुझे ये लगता है मैं रोज़ क्या चीज़ें दिखाऊँ आपको, रोज़ खाना पीना बनाना ये वो, तो मैं भी थोड़ा सा बोरिंग हो जाती हूँ। तो मतलब मैं बोरिंग हो जाती हूँ कि मैं आपको वही वही चीज़ें रोज़ आपको दिखा रही हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है, काफ़ी बच्चों का फ्यूचर देखना ये सब चीज़ें हैं, मन हर जगह जाने का करता है, घूमने का भी फिरने का भी। और शायद मैंने अपनी लाइफ में ना अपनी बहुत सारी इच्छाओं को ना ख़त्म कर दिया है बिल्कुल, मैंने अपनी लाइफ में अपना बचपन भी अच्छे से नहीं जिया और शायद शादी के बाद एक लड़की की जो लाइफ होती है ना वो भी मैंने अच्छे से नहीं जी है। शायद बचपन में मेरे ऊपर भी बचपन में भी मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत जल्दी आ गई थी और शादी के बाद भी। देखो एक चीज़ होती है कि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना वो ऐसा होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है या मेरे को अभी कोई दिक्कत है या मैं किसी से कोई बात शेयर करना चाहती हूँ तो देखो ये लड़की की जो लड़की जो एक बातें हैं ना अपनी माँ से शेयर करती है या फिर अपने हस्बैंड से शेयर करती है, मैं तो किसी से भी नहीं कह सकती। देखो भाई बहन सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं और बच्चों से ये बातें करना ठीक नहीं लगता है कि हमें किस चीज़ की टेंशन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। शॉर्ट्स डालती हूँ उस पर कमेंट्स आ रखे थे कि कुछ अच्छा वीडियो बना लिया करो, बस वही डांस डांस की वीडियो बनाती हूँ। सो डियर अगर आप में टैलेंट है तो आप कुछ अच्छा वीडियो बना लिया करिए, ठीक है। मेरे को तो सिर्फ डांस आता है तो मैं डांस की वीडियो बनाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं जो ब्लॉगिंग की वीडियो बनाती थी इसके ब्लॉग में कोई मज़ा नहीं है कुछ नहीं है, तब भी आप कमेंट नहीं मतलब बुराइयाँ निकालते थे, और अभी भी मैं डांस वगैरह की वीडियो डाल देती हूँ, शॉर्ट्स इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि अगर हम ब्लॉगिंग नहीं करते हैं तो हमारा जो जो भी एनालिटिक्स होता है ना वो सारा नीचे पहुँच जाता है। और वैसे ही मेरा चैनल तो मैं शायद मुझे 2-3 महीने हो गए हैं मुझे वीडियो नहीं डालते हुए, बहुत मेरा चैनल नीचे पहुँच चुका है मुझे खुद भी पता है, क्योंकि मुझे भी कभी कभी दुख होता है कि मैंने इस चैनल से बहुत हद तक अपने बहुत सारे खर्चों को संभाला था अर्निंग करके, लेकिन आज अर्निंग नहीं हो रही है मुझे, शायद 1 साल हो गया, 1 साल से मेरी यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं है। मैं आज आपको बता दूं 1 साल से मेरी यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं है, 1 साल हो गया है, क्योंकि जब से मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए थे उसके बाद मेरी वीडियोस कंटिन्यू जा ही नहीं रही थी, तो उसके बाद 1 महीने का गैप वो हुआ, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ लगा ही रहा तो मैंने वीडियोज़ नहीं डाली हैं, मेरे कितने सारे कोलैब्स भी बंद हो गए, तो कोलाब्रेशंस भी बंद हो गए हैं और यूट्यूब से अर्निंग भी नहीं हो रही, तो दुख तो मुझे भी होता है कि मैंने क्या चीज़ खोई है।
और अभी भी मैं वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ, तो लगता है कहीं ना कहीं, और क्या करूँ मैं, क्या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ। तो मैं कल आप लोगों के साथ एक कम्युनिटी पे पोस्ट शेयर करूँगी, तो आप लोग अपने सवाल पूछना, मैं उसके लिए आपके साथ एक क्वेश्चन आंसर वीडियो रखूँगी, और मैं आज ये वीडियो अभी डाल के ही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि फिर परी आ जाएगी, उसके हाथ में फ़ोन आ जाता है तो वो पढ़ाई करती रहती है, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप लोगों का आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो आगे शेयर भी कर देना। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखना, और अपना आशीर्वाद बच्चों को दे देना मतलब आप अपना आशीर्वाद मेरे बच्चों को हमेशा देते रहना, ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आए। मेहनत तो वो खैर कर रहे हैं, लेकिन अब आगे का पता नहीं है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।